सोने की पोटली 2021, हाँ मतलब यार 150 साल पुराना सिक्का है और चमक देखो भाई सिक्के में, जो मतलब काफी पुराना है, हमें डेट भी एग्जैक्टली नहीं पता, वो था ये शाहजहांस करेंसी। मैं अब जब भी जाता हूँ ना, अभी जब मैं लाल किला जाता हूँ, हाँ तो अब भी वो फिलहाल देखिए ऐसे शाहजहां रोड पे घूमता होगा। इसके की इंग्रेडिएंट है रोज वाटर, और रोज वाटर और मिल्क। रोज वाटर आपकी स्किन को अच्छा करता है, ग्लो करता है, और मिल्क आपको पता ही है स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चर लॉक करता है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है। तो गाइस अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी, है अनपैकिंग। भाई फाड़ दिया। तो गाइस ये रहा फेस मास्क। तो गाइस फेस मास्क मैंने लगा लिया, काफी अच्छा है। और आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं मामाअर्थ से, तो ये उससे ट्रीटमेंट करते हैं और आपके ऑर्डर के साथ लिंक कर देते हैं। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे केमिकल फ्री हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट भी आ चुकी है। अब इसको हमें छोड़ना पड़ेगा पूरे 15 मिनट। तो गाइस इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं। तो गाइस ये हो चुका है रिमूव। अब ये जो सीरम जो बचा ये मेरे को करना है रफ। तो गाइस एक और बात, मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, और जितना आप प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। और एक और बात, ये जो प्रोडक्ट है ये मामाअर्थ की वेबसाइट नायका पर्पल और अमेजोन पे अवेलेबल है, और मेरा कूपन कोड है SRV2021 20% ऑफ, जो चलेगा सिर्फ मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाँ गाइस मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है जो एंड्रॉइड iOS के लिए अवेलेबल है, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल्स का और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में। यो को बात ऐसी घर की जैसी, अभी अभी उठा और छोटा आ चुका है। आज का सीन ही, आज हमें चार्ट पेपर और लाने हैं, चार्ट पेपर, स्केच पेन और टेप वेप सारी चीजें, डेकोरेशन की चीजें लानी है, क्योंकि आज जो वीडियो है उसमें हमें कुछ तगड़ी चीज दिखानी है। इसके लिए हमें उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं चार्ट पेपर और ये सब लेने। पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि देखने लायक चीज बनने वाली है। तो गाइस अब आ चुके हैं घर, सेटअप पूरा रेडी हो रहा है और फेस भी आ चुका है। क्या हाल है भाई को, पोटली कहाँ है? सोने की पोटली है ये रही गाइस, ये रही पोटली, इसमें भरे हुए हैं। तो अभी हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, फेस में पूरी डिटेल बताएगा, चार्ट पेपर पे पूरा अच्छे से करेंगे सेट। फिर तू सबके बारे में जानता ना, किस चीज का क्या मतलब है सिक्के का, पूरी डिटेल देगा। तो गाइस अभी हम अच्छे अच्छे जो भी विंटेज सिक्के हैं उनको ऐसे पेस्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेलिंग लिखेंगे ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सिक्के हमने पूरे सेट कर लिए। अब भाई धीरे धीरे सबसे ओल्डेस्ट सिक्का आपको दिखाते हैं, सबसे ओल्डेस्ट कॉइन, जो मतलब काफी पुराना है, हमें डेट भी एग्जैक्टली नहीं पता, वो था ये शाहजहांस करेंसी। ये कॉइन देखो, ये कॉइन हद से ज्यादा पुराना है, हद से ज्यादा। कितना पुराना होगा फेज? ये होगा यार 300-350 साल पुराना तो होगा तुमसे, क्योंकि शाहजहां बहुत पहले का, मतलब जब ताजमहल बना था उस टाइम का कॉइन है ये। देखो ध्यान से देखो इसको, ये मिलना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन फेज ने भाई बचा रखे। उसके बाद जब अंग्रेजों का राज आया तो उसके बाद बीच में तो यही सिक्के चलते रहे, फिर सिक्के मतलब हट ही गए। फिर ये 1877 में 1 रुपी इंडिया, ऐसे देखो 1 रुपी इसकी क्वालिटी। ये वही विक्टोरिया एम्प्रेस की, विक्टोरिया का है, क्वीन का, विक्टोरिया एम्प्रेस। देखो क्वालिटी देखो क्या तगड़ी है, इतना पुराना सिक्का है, मतलब आज अभी क्या चल रहा है 2021, मतलब यार 150 साल पुराना सिक्का है और चमक देखो भाई सिक्के में, अभी भी ऐसा लग रहा है भाई इसमें सोना चांदी जड़ा हुआ है भाई पूरा। ये देखो क्वालिटी देखो, चांदी तो होता था इसमें, चांदी भर के होता था, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि अभी भी शाइन मार रहे हैं, कोई वो नहीं है गंदा सा। इनकी वैल्यू बहुत थी भाई उस टाइम, बहुत ज्यादा वैल्यू थी, मतलब इनके तो खैर अब भी है, इनके तो अब भी है, विंटेज कॉइन से विंटेज है भाई ये तो मानने वाली बात है भाई, म्यूजियम में जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन एक बात बता, जैसे कि ये कॉइन है जैसे 1 रुपए का, 1 रुपए की कितनी वैल्यू होगी उस टाइम पे? यार काफी थी ना, टाइम भी ना कितना, 1877, 1 रुपए महीना 2 महीना निकल जाता, 2 महीना आराम से, 1 रुपए में, 1 रुपए और अब तो 1 रुपए में भाई एक टॉफी आती है, मतलब कैसा जमाना आ गया भाई। पहले 1 रुपए में 2 महीने का राशन आता था, अब 1 रुपए में भाई टॉफी। उसके बाद आए अपने 1907 के कॉइन्स, वो भी ये थे एडवर्ड किंग एंड एम्परर, फिर किंग आ गया भाई 1907 में, ये भी 1 रुपए का कॉइन चलता रहा, वही सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी। ये देखो भाई ध्यान से देखो, इन दोनों सिक्कों को
तो ब्रिटिश आ गए ना, क्वालिटी में चेंज तो हुआ नहीं। हाँ, फिर तो किंग और क्वीन चेंज होते रहे बस। हाँ, क्वालिटी मेंटेन है, क्वालिटी मेंटेन है। उसके बाद अपन आए 1919 में, और तब ये वाले कॉइन है 1 रुपी इंडिया। ये किसके थे? विक्टोरिया। ये भी विक्टोरिया एम्प्रेस 1919 में दोबारा विक्टोरिया एम्प्रेस। सबसे पहले चलते हैं 1934 पे। 1/4 आना ना, मतलब एक आने के भी चार हिस्सा मतलब 1/4 आना। उसके बाद आया 1936 में 1 आना। ये भी जॉर्ज किंग एम्प्रेस, आजादी से पहले के। बहुत सारे सिक्के हैं, भर रखे हैं भाई लड़के ने। और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना फटाफट। मेरे पास वो पोर्टलिंग भी पुरानी उसी टाइम की। देखा ये पोर्टली काफी पुरानी पोर्टली। अब चलते हैं 1943 के 1 आना पे, जब देश ऑलमोस्ट आजाद होने ही वाला था। जॉर्ज किंग एम्परर 1943 1 आना। इन सिक्कों की थोड़ी क्वालिटी कम है, कम है, क्योंकि ये एक आना इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, 1 रुपए की ज्यादा वैल्यू। अब उनको पता चल गया था कि हम जाने वाले हैं। अब चलते हैं 1952 पे, तब आजाद हो चुका था और तब घोड़ा आ चुका था मैदान में। ये रहे घोड़े वाले सिक्के, और अब इसके पीछे लिखा हुआ आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है क्लियरली। एक बात है भाई, अंग्रेजों के टाइम पे करेंसी ज्यादा थी, 1-1 रुपए के थे। हाँ, और इंडिया के टाइम पे जैसे इंडियन है तब 1-1 पैसा चलने लगा, तो मतलब इकोनॉमी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेज सारा पैसा तो ले जा चुके थे, सोना वोना सब ले जा चुके थे। इकोनॉमी इतनी डाउन थी, और जो अंग्रेज जो खर्चने की शक्ति थी ना अंग्रेजों की, हमसे तो बहुत ही ज्यादा। लड़ाई झगड़े में लॉस भी तो होता है, लाइफ का लॉस हुआ था, लाइफ का लॉस हुआ, इकोनॉमी इतनी डाउन हुई। वो पहले 1 रुपया ऐसे खर्च देते थे, और इंडिया के लोग थे 1 रुपए 2-3 महीने का राशन लेते थे, और वो 1 रुपया से मजे के लिए लगा दिया। उसके बाद आया 1954 का, और ये भी सेम है। ये देखो गाइस, ये भी 1 पाइस है, और यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही छोटा, काफी हल्का सिक्का है, इसकी क्वालिटी काफी कम है। इसके बाद 1957 पे आया 10 पैसे। थोड़ी मतलब इकोनॉमी उठने लगी, थोड़ी लोगों के पास पैसा आने लगा। अब आते हैं हम थोड़ी सी आगे 62 पे, तो थोड़ा बहुत ही पड़ा है, इसमें ज्यादा नहीं पड़ा। और ये भी है 10 पैसा, नए पैसे। ये नया कॉइन लॉन्च हुआ था 1962 में। अब आया 1969, ये कितना है 10 पैसे। 10 पैसे, क्या बात यार, मजा आ रहा है वैसे सिक्के देखने में। हिस्ट्री अपने पास रखेंगे हम, सौ के बच्चों को क्या हुआ। अब 1970 में वही आया, देखो भाई ये है 20 पैसा, 20 पैसा, और ये वही सेम पीछे लोटस बना हुआ है, और यहाँ सन बना हुआ है, देखो ध्यान से। उसके बाद अपन आ जाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं 1971 पे। तो ये है, ये काफी घिसा हुआ सिक्का है, और बहुत ही हल्की क्वालिटी है, ये कितना है 10 पैसे। उसके बाद आया 1972, अब हर साल के चलते रहेंगे। 1972 में वही सेम क्वालिटी, वही सेम सिक्का, थोड़ा साइज छोटा हो गया। अब आते हैं 1973, वही सेम क्वालिटी, वही सेम डिट्टो सेम, कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं। और ये देखिए घिसे भी हुए हैं, 1970 के 50 साल पुराने घिस गए, लेकिन 150-200 साल पुराने अभी तक टिके हुए हैं। 1974 का देखो, ये बहुत ही हल्का है इसलिए मैंने चिपका दिया, खून आ जाएगा। ये है 5 पैसा, देखो कितना छोटा सा सिक्का है। उसके बाद 1974 के बाद अपन आते हैं 1982 पे, और ये क्या है भाई, फूड डे, वर्ल्ड फूड डे 1982। ये भी 10 पैसा है गाइस, और इस पे यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड फूड डे। ये देखो वर्ल्ड फूड डे। वैसे एक बात है, मेरे पास भी काफी सिक्के पड़े थे, मेरा भाई ले गया वो। मेरे पास तो भाई 1950 से 2000 तक के। 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता 1983 जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जितवाया, तब था 20 पैसे। ये देखो पीछे वही शेर बना हुआ है। फिर आया 1984 में, बिल्कुल सेम 20 पैसे का सिक्का, ये देखो डिट्टो सेम, कोई फर्क ही नहीं है। इसके बाद आते हैं अपन, इसके बाद 85 10 पैसा, इसकी भी शेप चेंज कर दी इसकी, देखो इसको थोड़ा छोटा कर दिया 10 पैसे का। 20 पैसे का सिक्का उतना ही रहा होगा, उतना है नहीं हमारे पास, 20 पैसे बड़ी चीज होगी उस टाइम, बड़ी चीज थी। और अब तो भाई 20 पैसे का मिलता भी नहीं है, 50 पैसे का भी मिलना बंद हो गया 7-8 साल पहले। जब मैं छोटा था तो 50 पैसे चलते थे कि ये 50 पैसे का एक, अब तो भाई वो भी नहीं मिलता। हम लोग चलाए 50 पैसे अपने टाइम, हमने तो चलाया भाई, अब के बच्चे नहीं चला पाएंगे, अब के बच्चे तो 2000 के लिखने के नहीं मिलता, के बच्चों को 50 पैसे का गूगल पे भी सीधा 2000 एक टाइम हो जाएगा, ये कुछ चलेगा ही नहीं, सीधा गूगल पे चलेगा। ये देखो 1986 20 पैसा, वही सेम सेम क्वालिटी, सेम बिल्ड क्वालिटी। और ये 1988 का देख लो गाइस, ये पास से दिखा देता हूँ, 1988 कोई फर्क नहीं है इसमें, ये भी 10 पैसे। और एक दिखाता हूँ मैं 1967 का, ये देखो ये है 1967 का 5 पैसे भाई। ये चीज अलग है, ये अलग है, क्वालिटी है भाई। लेकिन एक बात ना, इस पे लिखा हुआ उस पे अरबी में, वो ये देखो भाई, हाँ उर्दू में लिखा हुआ है भाई, ये उर्दू तो मेरे को तो 1% नहीं, थोड़ा पढ़ के अरबी में, अरेबिक, हाँ अरेबिक उर्दू में अलग अलग चीज, हाँ
कैसे? अरेबिक अलग होती है, लैंग्वेज होती है, उर्दू अलग होती है, मतलब वो ओवरऑल सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, डिफरेंस है, जैसे ये बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, ये अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन यार एक बात है भाई, अंग्रेजों को मान गया ना, इससे भी ऊपर की क्वालिटी दी है भाई, वो तो दी है अंग्रेजों ने भाई, क्वालिटी बहुत दी है भाई, मान गया। पर ये ना ये पुराने में कितना हो गया, 300 साल पुराना सिक्का, 400 साल पुराना, 300-400 साल पुराना। तू बता भाई, फिर जो अपनी हिस्टोरिकल जगह है वहाँ जाना चाहिए वीडियो बनाने के लिए? जाना चाहिए, फील आती है देखिए यार, देखता हूँ अपनी हिस्ट्री। मैं अब जब भी जाता हूँ ना, अभी जब मैं लाल किला जाता हूँ, हाँ, तो अब भी वो फील आती है कि ऐसे शाहजहाँ रोड पे घूमता होगा, एंट्री रहता होगा तो कैसा होता होगा, क्या होता होगा, अलग ही फील है। ये तो है भाई, ये तो भाई सबको जाना चाहिए, अपनी हिस्ट्री रिमेम्बर करनी चाहिए। तो गाइस वीडियो यही थी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट आपको क्या करना है, और वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है, मोर कॉइंस वीडियो, क्यों भाई? हाँ। मोर वीडियो कॉइंस हो गया, कॉइन तो बहुत सारे हैं, मैं भी, मेरे पास भी जो पड़े हैं, और पुराने नोट भी दिखाएंगे भाई, पुराने नोट है, फेस पुराने नोट, 5 का नोट है। अच्छा, 5 का ऐसे नोट है, 5 का तो पुराना हो गया। मैं आपको गाइस 1, 2, 3 रुपए के नोट दिखाऊंगा, एक वीडियो हो जाएगी नोट पे, एक वीडियो होगी कॉइन पे, कॉइन पे और चाहिए तो कॉइन की और बन जाएगी, नोट और कॉइन दोनों पे चाहिए एक ही सिंगल वीडियो, वो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।